नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिनभर की तमाम और बड़ी खबरों के साथ मैं शालिनी श्रीवास्तव इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ। खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन देखते हैं पहले सुर्खियां। लखीसराय स्थित लाली पहाड़ी के उत्खनन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। खादिम शोरूम के व्यवसायी की हत्या मामले में पुलिस ने 4 अपराधी को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरा के जगदीशपुर अनुमंडल में एक कलयुगी बेटे ने धन की लालच में अपने ही पिता की हत्या। और हाजीपुर के एक निजी नर्सिंग होम से नवजात शिशु चोरी होने के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अब रुख करेंगे खबरों की और विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार विरासत विकास समिति एवं विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन के संयुक्त में लाल पहाड़ी लखीसराय जिले के पुरातात्विक उत्खनन का शुभारंभ किया। लाल पहाड़ी पर बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री के पहुंचने पर जिला प्रशासन द्वारा उनकी अगवानी और स्वागत के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री ने लाल पहाड़ी पर कुदाल से खुदाई एवं निर्मित दीवार के ईंट के स्क्रैपर से सफाई कर खुदाई का शुभारंभ किया। इसके बाद लाल पहाड़ी पर खुदाई का शुभारंभ से संबंधित लगे शिलापट का अनावरण करने के बाद लाल पहाड़ी का मुआयना किया। मुआयना के क्रम में मुख्यमंत्री लाल पहाड़ी पर बने गुफा 10वीं-11वीं सदी में बने मंदिर के साथ ही पहाड़ी के अंतिम छोर तक बारीकियों से मुआयना कर पुरातत्वता प्रोफेसर अनिल कुमार से जानकारी ली। लाल पहाड़ी पर बने मंदिर में लगी मूर्तियों को देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मूर्ति देखने से लगता है कि पालकालीन मंदिर है। लाल पहाड़ी पर ही बने कुमिला रंगा मंच नगर परिषद के पास कार्यक्रम स्थल पर क्रिमला एक विस्मृत शहर से संबंधित लगे पोस्टर का मुख्यमंत्री ने विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें क्रिमिकला हरोहर और गंगा के संगम पर अवस्थित क्रिमिला शहर की कई महत्वपूर्ण जानकारियां उल्लेखित थी। कार्यक्रम स्थल पर ही लखीसराय जिले के दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित लगे चित्र प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार, जल संसाधन मंत्री ललन सिंह सहित कई अन्य गणमान्य लोग अधिकारीगण उपस्थित थे। मिर्गी रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने और उनके बेहतर इलाज के संबंध में राजधानी पटना में इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। एक प्रेस वार्ता के मौके पर इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि देश भर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट रविवार को पटना में आयोजित संगोष्ठी में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी में विशेषकर मिर्गी रोग पर चिकित्सक विशेष रूप से चर्चा करेंगे, खासकर रोग के दौरान चिकित्सकों को कौन सी दवाई कब देनी चाहिए, इसका पहचान कैसे करना चाहिए और गर्भ के दौरान होने वाली मिर्गी पर भी आए चिकित्सक प्रकाश डालेंगे। जी अपडेट, आपका 26 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है। हाजीपुर में एक निजी नर्सिंग होम से नवजात शिशु चोरी होने के बाद सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना नगर थाना के पोखरा मोहल्ले की है। परिजनों ने थाने में नर्सिंग होम के खिलाफ बच्चा चोरी का मामला दर्ज कराया। वही घटना के बाद नर्सिंग होम में लगे सीसीटीवी में बच्चा चोरी का मामला खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई अता पता नहीं चल पाया। परिजनों ने बच्चा चोरी को लेकर नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 4-5 दिन पहले सिजेरियन हुआ था तो बच्चा गार्जियन को सपोर्ट किया हुआ था, मरीज और बच्चा दोनों भर्ती था। वही एकाएक रात में जो है ना सिर्फ 12 बजे के आसपास चिल्लाने लगी कि मेरा बच्चा नहीं है, तो वही हम लोग फिर देखे तो बच्चा नहीं था, तो फिर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किए कि भाई बच्चा नहीं है। और बच्चा जो था ना सो मतलब माँ के पास सोया हुआ था, माँ से दूध पी के और 3 परिजन 2 टेबल लगा करके चारों सोया हुआ था। और फिर उसको मतलब उसमें से उठा कर ले गया, 4 परिजन था तो कुछ पता चल रहा है बच्चा कौन ले गया? हाँ पता चल रहा है, तो वो फिर हम नीचे से पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद सीसीटीवी कैमरा में दिखवाए तो वो मतलब आते जाते चोर जो है सो पता चल रहा है। परिजनों का क्या कहना है? परिजन तो उनके हम ही खुद बहुत मरमाहत है, मेरे नर्सिंग होम में हो गया, वो तो दुखी हैं ही हैं।